ये सब क्या हो रहा है यहां पे? भाई साहब आपसे एक जरूरी बात करनी है, प्लीज अंदर चलिए। इस घर में हमारे पीछे इतना सब कुछ हो गया और किसी ने हमें कुछ बताना तक जरूरी नहीं समझा। भाई साहब आप इतने बड़े कोर्ट केस में बिजी थे इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मगर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर मेरी बेटी की इज्जत बची है तो वो सिर्फ वेदिका की वजह से। हाँ मैं जल्दबाजी में शादी जरूर करनी पड़ी लेकिन वेदिका ने गीत पर आंच तक नहीं आने दी। ऐसी बहू नसीब से मिलती है भाई साहब। बहू? जी हाँ जस साहब, बहू। भाई साहब ने उस डिवोर्सी लड़की को अपनी बहू मान लिया है। आपसे सलाह मशवरा किए बगैर ये फैसला कर लिया है कि वो डिवोर्सी लड़की इस घर का हिस्सा बनने के लायक है। जानते नहीं है जी आपके पीछे से क्या क्या तमाशे खड़े किए हैं उस लड़की ने। पहले अपनी बहन के मंडप में हमारे साहिल से धोखे से शादी कर ली, अब गीत की शादी अपने पसंद के लड़के से करवाती जबरदस्ती। हमने इस लड़की को ना परखा ना जाना, खुद चुनकर लाई है इस लड़के को और शादी करवा दी गीत की। और इज्जत बचाई क्या है, उल्टा गीत की इज्जत खतरे में पड़ गई। वेदिका के पहले पति तनुज ने गीत का एमएमएस बना दिया था। दोनों बहुत करीब आ गए थे। ये वेदिका की चाल है इस घर में घुसने की, हमारे दिलों में जगह बनाने की। बस ये मेहमान चले जाए, आप निकाल बाहर कीजिए उस औरत को। उस डिवोर्सी औरत को जब भी मैं देखती हूँ तो मेरा खून खौलने लग जाता है। काम अवंतिका को ब्याह कर लाने वाले थे और कहां ये उम्र में बड़ी डिवोर्सी लड़की मेरे बेटे को फांस कर बैठी है। नहीं रेखा, नहीं। इस घर की और इस घर की बेटी की इज्जत हमारे लिए सबसे बढ़कर है, ये जानती हो तुम। गीत की बेइज्जती इस परिवार की बेइज्जती होती, गनीमत मानो कि ऐसा नहीं हुआ वरना आज सारे समाज में हमें शर्मिंदा होना पड़ता। आप ये मानते हैं कि वेदिका ने जो किया वो सही है? आप जानते हम बस ये मानते हैं रेखा कि जो रिश्ता परिवार को जोड़ता है, चाहे वो खून का रिश्ता हो या ना हो, वो सम्मान और प्यार का रिश्ता होता है। अभी तुम जाओ और घर आए मेहमानों की खातिरदारी करो, कहीं ऐसा ना हो कि सबके सामने हमारे खानदान की बेइज्जती हो जाए। बाकी बातें हम करेंगे लेकिन गीत की विदाई के बाद। जाओ तुम भी जाओ। चल क्या रहा इस बुड्ढे के दिमाग में, ये वेदिका दी पे गुस्सा क्यों नहीं है? कहीं इस बुड्ढे का दिल पिघल तो नहीं रहा वेदिका दी के लिए? पता करना पड़ेगा वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जीती रहे। ससुराल में आकर लड़की को ससुर मिलते हैं, पर मैं इतनी खुश नसीब हूँ ससुराल में आकर मुझे मेरे पापा मिले। नहीं 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 बेटा, तू नहीं, खुश नसीब तो हम हैं जो हमें तुझ जैसी बहू मिली। तेरे आने से तो हमारे घर में एक और बेटी आ गई। कितने गलत थे हम तेरे बारे में। साहिल को बताकर? नहीं 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 नहीं, अभी किसी को मत बताना। पापा जी वो
झूठ से रिश्तों में दरार पड़ जाती है। मैं साहिल और अपने बीच कोई राज नहीं रखना चाहती। तुझसे अभी कितना सीखना बाकी है, खुश रह। मैं जाऊं। गुड नाइट। गुड नाइट। हम तो चाहते थे कि ये खबर सारी दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आए, लेकिन ये साहिल तो पगला है ना, पता लगते ही सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट देगा। नहीं नहीं नहीं, ये खबर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही आएगी। वेदिका, वेदिका बेटा सुन, वेदिका पापा जी, वेदिका दी को इस घर में कभी एक्सेप्ट नहीं होने दूंगी। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि वेदिका दी के ससुर जी क्या करने वाले थे। अब वेदिका दी भी कहेंगी तो कौन मानेगा, क्योंकि जो करने वाले हैं वो तो कल सुबह तक बचेंगे ही नहीं। जाएगा ही जाएगा, और वेदिका दी की सास उन्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगी, और मैं बनूंगी इस बिना ससुर वाले अमीर घर की बहू, मिसेस साहिल कश्यप करके इस घर में ऐशो आराम की जिंदगी बिताऊंगी, और अपनी सास को मुट्ठी में करके अब परफेक्ट बहू बनेगी मिसेस अवंतिका साहिल कश्यप। डॉक्टर, ये ठीक तो है ना? देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, सिर पे गहरी चोट लगी है, अगले 4-5 घंटे बहुत अहम है, और ये कहना मुश्किल है कि ये होश में आ सकते हैं या कोमा में जा सकते हैं। इस समय तो इनकी हालत इतनी नाजुक है कि जान का भी खतरा है। या क्या बोले डॉक्टर, ऐसा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। ये सब कैसे हो गया आंटी जी, अभी पार्टी में तो कितने नॉर्मल थे, ये सब कैसे हो गया? जाली सिग्नेचर का काम अच्छा कर लेते आप। बस एक बार वेदिका दी के ससुर जी शशि भूषण कश्यप का पैसा मेरे हाथ आ जाए, फिर आपको भी खुश कर दूंगी मैं। थैंक यू अवंतिका जी, ऐसे आजकल की दुनिया में आप जैसी स्मार्ट लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। आपकी बहन जैसी तो सिर्फ बेवकूफ बनने के लिए ही पैदा हुई है। अच्छा मैं चलता हूँ। बहुत बर्दाश्त कर लिया, निकल यहाँ से। ये क्या करिए आप? सही है,
सही कर रही हूँ मैं, ये तुझे करना चाहिए था। तेरे पापा को चोट पहुंचाई इसने, फिर भी इसे घर पे रखेगा? ये घर, ये दौलत, ये सब तेरे पापा के जिंदगी भर की मेहनत का फल है और तू उसे ऐसे ही ट्रस्ट के हाथों में जाने देगा? कैसा बेटा है साहिल तू? इधर आ, यहाँ अवंतिका, यहाँ ये ले। अगर तू अपने बाप से प्यार करता है ना, तो भर दे अवंतिका की मांग। तुझे तेरी मां की कसम है। अपने परिवार को बेघर होने से बचा ले साहिल, ये फर्ज है इस घर के बेटे का। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। शादी कोई मजाक नहीं है कि इससे सिंदूर लगाओ उससे सिंदूर लगाओ। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मैं किसी और के साथ शादी नहीं करने वाला। तो तू भी याद रख, अगर तूने इस नीच औरत को छोड़ के अवंतिका से शादी नहीं की, तो ये तेरे पापा की इच्छा का अपमान होगा। बोल रेखा जी। मम्मी दूर, रेखा जी दूर रहो। क्या करिए आप मम्मी? बोल तू अवंतिका से शादी करेगा कि नहीं? भर अवंतिका की मांग, बनाओ से अपनी दुल्हन, वरना मैं यही तेरे सामने अपनी जान दे दूंगी। फिर जीते रहना इस पाप के साथ जिंदगी भर। मम्मी जी, गुस्से में ऐसा कुछ मत करिए जिसके बाद आपको अफसोस हो। अफसोस तो तुझे होगा कि तू इस घर में बहू बन के आई और साहिल से उसके दोनों माँ बाप को छीन लिया। ये घर मंदिर है मेरा। इससे पहले कि ये डिवोर्सी औरत मेरे घर को बर्बाद करते, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपनी आंखों से अपना घर बर्बाद होते नहीं देख सकती। बोल तू शादी करेगा कि नहीं करेगा अवंतिका से? बोल तू शादी करेगा कि नहीं? आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। छोड़ दूंगी मैं साहिल को। मां को यही लगता है ना कि मैं साहिल के लायक नहीं, डिवोर्सी हूं, छोटी घर की हूं। पैसों के लालच में मैंने साहिल से शादी की और जब मुझे पता चला पापा जी ने सारी जायदाद अवंतिका के नाम कर ली है, तो मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में मैंने पापा जी को मारने की कोशिश की। तो हाँ, मैं अपना गुनाह कबूल करती हूं। छोटे उम्र वाले लड़के से शादी करके ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी मैं। ये क्या कह रही हो? आप बीच में मत बोलिए। इसीलिए तो धोखे से शादी की मैंने। ये सब देख के लालच आ गया मेरे अंदर और कैसे जाने देती मैं साहिल जैसे लड़के को अपने हाथ से। वेदिका जी, आप अचानक से, आपने कहा था कि पापा आपको एक्सेप्ट करने वाले थे, तो ये सब क्यों कह रही हैं आप? झूठ बोला था मैंने। Thank you.
चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें जीनी रे जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें जीनी रे जीनी रे जीनी। ऐसा भी क्या मिलना साथ होके तन्हा, ऐसी क्यों सजा हमने पाई रांझना वे, फिर से मुझे जीना तुझ पे है मरना, फिर से दिल ने दी है ये दुहाई साजना वे, लकीरों पे लिख दे जुदाई। गैर सा हुआ खुद से भी ना कोई मेरा, दर्द से कर ले चल यारी दिल ये कह रहा, खोलू जो बाहें बस गम ये सिमट रहे हैं, आंखों के आगे लम्हे ये क्यों घट रहे हैं, सहता जुदाइयां। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें जीनी रे जीनी, यादें जीनी रे जीनी रे जीनी, राजन ढूंढन में चले अगन लगा के रबा, लकीरा विच लिख दे जुदाई। निकाल दिया है उस औरत को, उस घर से, उस मनहूस डिवोर्सी को जिसने मेरा सुहाग उजाड़ने की कोशिश की, जिसने हमारे बेटे को प्यार में फंसाया, हमारा पैसा हड़पने की कोशिश की, हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया है साहिल से। अब कभी वो हमारे घर का हिस्सा नहीं बन पाएगी। अब तो खुश है ना जी आप? बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम रेखा, वेदिका नहीं, तुम खुद अपने घर को बर्बाद कर रही हो। कितने बदकिस्मत है तुम, हमारी लक्ष्मी समान बहू को घर से बाहर निकाल रही हो और हम तुम्हें रोक नहीं पा रहे। बस आपकी इच्छा के मुताबिक अब अवंतिका और साहिल की शादी हो जाए तो उस मनहूस औरत का हमेशा हमेशा के लिए इस घर से साया हट जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा मम्मी, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद आपकी याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, वेदिका जी मेरी जीवन साथी है, हम दोनों का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है मम्मी, पिछले जन्म का, और हर जन्म में वेदिका जी ही मेरी जीवन साथी बनेगी। मैं सिर्फ और सिर्फ उनसे प्यार करता हूं और किसी और के साथ शादी कभी नहीं करूंगा, आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। तो प्लीज ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अरे कैसा बेटा है तू? वो जिसने तेरे बाप को मारने की कोशिश की, उस मुजरिम का साथ देगा? मुजरिम मत कहना वेदिका जी को मम्मी, मैं आखिरी बार आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने वेदिका जी को मुजरिम कहा तो आप मुझे और वेदिका जी दोनों को हमेशा के लिए खो देंगे। पापा की आंखों में आंसू थे, पता नहीं क्यों, काश पापा मुझे कुछ बोल सकते लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे। मम्मी वहां चाहती कि मेरी शादी अवंतिका के साथ हो जाए, लेकिन मैं ये बात नहीं जानता कि पापा क्या वो चाहते कि नहीं चाहते। इतना कुछ हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा,
हाँ, वेदिका जी भी कह रही थी मुझसे कि पापा चाहते कि वो इस घर की बहू बने, कि वो सबके सामने उन्हें बहू एक्सेप्ट करने वाले थे, और अचानक से हमारी शादी की तैयारी हो रही है। कैसे रुकूं मैं ये सब, क्या करूं क्या करूं, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करूं। आज मैं सबके सामने सच लाकर ही रहूंगी। आज मुझे साबित करना ही होगा कि पापा की ये हालत मैंने नहीं की है। मैं कभी उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। कैसे अवंतिका चंद पैसों के लिए इतना गिर गई कि अपनी ही बहन के साथ उसने ऐसा किया। मैं साहिल की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती। साहिल ने हमेशा मेरा साथ दिया है। साहिल मेरे पिछले जन्म का प्यार है। मंजुला जी ने खुद मुझे सारी कहानी बताई। मुझे ये शादी रोकनी ही होगी किसी भी हाल में। बहुत हो गया त्याग, पर अब नहीं। आज मेरे प्यार की परीक्षा है। आज मुझे अपने लिए, अपने पति के लिए, हम दोनों के प्यार के लिए, सच के लिए लड़ना ही होगा। कितने प्यार से ही शेरवानी मैंने साहिल के लिए बनवाई थी। क्या क्या नहीं सोचा था। पर सब अरमानों पर पानी फेर दिया उस डिवोर्सी लड़की ने। मेरे सारे सपने तोड़ दिए। खुद तो मनुष फूटी किस्मत की है। मेरे बच्चे के नसीब में भी दूसरी शादी लिखती। पता नहीं कौन सी मनुष घड़ी में उस डिवोर्सी लड़की का साया पड़ा था मेरे साहिल पर। मुझे पूरा यकीन है अवंतिका इस घर की बहू बनकर रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, हमारा घर ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब बिल्कुल पहले जैसे हो जाएगा। मैं खुद जाकर मेरे बेटे को यह शेरवानी देकर आऊंगी। अरे ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? नहीं, ये तो खुशी के आंसू है। बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा हो रहा है ना। अब सब अच्छा होगा आंटी जी। लाइए मुझे दीजिए, मैं साहिल को देख के आती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं साहिल को तैयार करके नीचे ले आऊंगी। आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए और पापा जी का ध्यान दीजिए। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुझे इस घर की बहू चुनकर मैंने बिल्कुल सही कदम उठाया है। बेटा, इस घर को तेरे जैसी आदर्श बहू की ही जरूरत थी। एक बार गलत शादी का नतीजा देख चुके हैं हम। दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, दीदी ने जो खेल रचा था अब वो खत्म हो गया। अब आपके और पापा जी के आशीर्वाद से मैं इस घर की बहू बनूंगी और इस घर को वैसे ही चलाऊंगी जैसे आप चाहती हैं। खुश रहो। हे भगवान जी, अब बस जल्दी से अवंतिका साहिल को मना कर मंडप में ले आए और ये शादी हो जाए। मुझे बहुत चिंता हो रही है भगवान। उस डिवोर्सी लड़की का, उस वेदिका का मुझे मुझे कोई भरोसा नहीं। तो वो कभी भी कुछ भी गड़बड़ कर सकती है। सब ठीक कर दीजिए भगवान जी। आपका तो पता नहीं, मगर मुझे पता है कि मैंने बिल्कुल सही घर चुना है। क्योंकि जो दौलत और पैसा मुझे चाहिए वो मुझे इससे बेहतर और किसी घर में नहीं मिल सकता। जब अपने मकसद के लिए मैं अपनी बहन का घर तोड़ सकती हूँ तो फिर आप लोग क्या हो? अब अवंतिका को कोई नहीं रोक सकता। आदर्श बहू माई फुट, शादी हो जाने दो, फिर देखो कैसे सबकी बैंड बजाती हूँ।